धान खरीद के प्रभारी अधिकारी एडीएम वित्त व राजस्व विधान जायसवाल के निर्देश दिए हैं कि सभी धान क्रय केंद्रों पर बैनर तथा वॉल पेंटिंग होनी चाहिए, जिस पर शिकायत टोल फ्री नंबर केंद्र प्रभारी, उप जिलाधिकारी, डिप्टी आरएमओ, क्रय एजेंसियों के जनपद स्तरीय अधिकारी के नाम व मोबाइल नंबर, संबंधित बैंक का नाम सहित अन्य सूचनाएं अंकित होनी चाहिए। धान क्रय केंद्र रविवार एवं राजपत्रित को छोड़कर प्रत्येक दिन प्रातः 9 बजे से साय 5 बजे तक खुले रहेंगे। उन्होंने बताया कि शासन के निर्देशानुसार जनपद में धान की खरीद 1 नवंबर से प्रारंभ होगी। वर्ष 2018-19 में धान खरीद का लक्ष्य 9,84,000 मेट्रिक टन है। शासन द्वारा धान का समर्थन मूल्य 1750 प्रति क्विंटल निर्धारित है। कृषकों को आरटीजीएस के माध्यम से धान मूल्य का भुगतान 72 घंटे के अंदर सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी केंद्र पर डिस्ट्रेस सेल की शिकायत नहीं आनी चाहिए। उन्होंने बताया कि जनपद में कुल 91 क्रय केंद्र स्थापित किए गए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य को समय अनुसार पूरा करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि 1 नवंबर से ही सहकारी क्रय विक्रय केंद्र के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने की घोषणा की है तथा धान खरीद के कार्यों का भी विरोध किया है।